हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, रोज की तरह मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, अदर स्टेट की TGT PGT हो, MP TET हो, MP SUPER TET हो, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर इन सभी से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन, MCQs, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर MCQs प्रैक्टिस, सभी चीज़ें अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ें देखिए। और मैं जो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ 8 से 9 हज़ार क्वेश्चंस का, दोस्तों इसका यह प्रैक्टिस का 70वां वीडियो है आज का। तो दोस्तों, जो भी आपने पढ़ा होगा, तो रेडी हो जाइए आज के सेशन में अपना स्कोर चेक करने के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, ग्रीष्मवासी किस पर विशेष बल देते थे? तो दोस्तों, ग्रीष्मवासी जो है व्यक्तिवाद पर ज्यादा जोर देते थे। नेक्स्ट है, ग्रीस में यानी यूनान में अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर कौन सा आदर्श वाक्य लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन है। तो ग्रीस में अपोलो देवता किसको बोलते हैं? सूर्य देवता को, ठीक है, सूर्य देवता को। तो अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर कौन सा आदर्श वाक्य लिखा हुआ है? तो वहां पे लिखा हुआ है मेडेन आगन। क्या लिखा है? मेडेन आगन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों में पोसिडियन देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेला जाता है? दोस्तों, पोसिडियन देवता यानी समुद्र देवता को पोसिडियन देवता कहा जाता था, एंड अपोलो देवता सूर्य देवता को, एंड आकाश देवता जीएस देवता को कहा जाता था। तो जिसमें से ओलंपिक, जैसे कि दोस्तों पूर्व एथेंस काल में अखिल एवन यानी फॉल हेनली खेल समारोह होता था, जिसमें ओलंपिक, क्रीथियन, इस्थिमियन, निमियन आदि होता था, जिसमें से जो ओलंपिक होता था जीएस यानी आकाश देवता के श्रद्धांजलि के लिए होता था, एंड पीथियन जो है अपोलो देवता यानी सूर्य देवता के श्रद्धांजलि में होता था, एंड इस्थिमियन जो है पोसिडियन यानी समुद्र देवता के श्रद्धांजलि के लिए होता था, एंड निमियन जो है वह जीएस देवता के सम्मान में होता था। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पोसिडियन देवता के सम्मान में कौन सा खेल होता था? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा इस्थिमियन। क्या होता था? इस्थिमियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जीएस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए थे? दोस्तों, तो ओलंपिक और निमियन दोनों होता था जीएस देवता के सम्मान में। यहाँ पे ओलंपिक दिया नहीं है, निमियन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अपोलो देवता के सम्मान में, अपोलो देवता यानी सूर्य देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? तो फाइथियन, ठीक है, पीथियन गेम खेले जाते थे। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया था? तो किस सम्राट ने ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया था? दोस्तों, आप सबको पता है 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडेसियस प्रथम ने इसको प्रतिबंधित किया था। प्राचीन ओलंपिक खेल जो है 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, और 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक खेल संपन्न हुए 1200 वर्षों तक, जिसको 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने प्रतिबंध लगवा दिया। नेक्स्ट है, फुफ्फुसीय धमनी यानी कि पल्मोनरी धमनी आर्टरी जो है किससे रुधिर निकालती है? तो दोस्तों, जब अग्र महाशिरा एंड पश्चिम महाशिरा से अशुद्ध रक्त आता है दाएं अलिंद में, फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी के द्वारा चला जाता है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, फेफड़ों से शुद्ध होकर पल्मोनरी शिराओं के द्वारा आ जाता है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से आता है बाएं निलय में, बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते जाता है महाधमनी में, और महाधमनी से समस्त
शरीर के अंगों कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, ये एक साइकिल होता है। ठीक है, तो फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी धमनी किससे रुधिर निकालती है, तो दायां निलय हो जाएगा, हृदय के दाएं भाग यानी दाएं अलिंद दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है, हृदय के बाएं भाग बायां अलिंद बायां निलय में शुद्ध रक्त बहता है। जैसे कि दोस्तों धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद क्या है कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। जैसा कि एक पॉइंट और है कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद क्या है कि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट है, चिरकालिक क्षतियों का चिकित्सा किससे होता है, जो पुरानी क्षति होती है, पुराने चोट होते हैं, उसका चिकित्सा होता है अवरक्त किरण यानी इन्फ्रारेड रेंज के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, जल चिकित्सा में किसका उपयोग होता है, तो जल का उपयोग होता है, इसको हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गहरी चोट से हुई क्षति का उदाहरण है, तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में गहरी चोट मोच आपका है यानी कि स्प्रेन, जो लिगामेंट के टूटने के कारण होता है, एंड और सभी चोट जो है सामान्य चोटें हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दाब के कारण टूट फूट होती है, तो दाब के कारण टूट फूट होती है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जब आस्टी अब्लास्टिक सक्रियता आस्टी अक्लास्टिक सक्रियता से अधिक होती है, तो वहां दाब के कारण टूट फूट होती है। एक होता है दोस्तों अस्थियों में ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं, केबीएस में भी पूछा था, एमपी टेट में भी पूछा था। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, अस्थियों के टूट फूट की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न उत्तकों में कौन क्षति के पश्चात अपने को पुनरुत्पादित करने में सर्वाधिक सक्षम है, तो दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक सक्षम, जैसे कि स्नायु की तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तो सक्षम मतलब पुनरुत्पादन नहीं होता, सबसे अधिक पुनरुद्भवन होता है आपका यकृत यानी लीवर में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है उपकला के उत्तक यानी जो हमारा संपूर्ण शरीर इपिथिलियल टिश्यू से ढका हुआ है, इसमें हमारे जो त्वचा है ये भी ढका हुआ है इपिथिलियल टिश्यू से, इसमें जो भी चोटें आती हैं इसको तुरंत वो भर देता है और तुरंत ठीक करने के लिए शरीर स्वयं क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रदाहक मध्यस्थों में कौन रक्त का थक्का बनने से रोकता है, तो दोस्तों हिपेरिन जो है हमारे शरीर के अंदर रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता, इसका निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में। ठीक है, लेकिन जब हम कट जाते हैं तो जो रक्त होता है वातावरण के संपर्क में आ जाता है, वहां पे वातावरण के संपर्क में आते ही हिपेरिन जो है वह प्रभावहीन हो जाता है, वो अपना शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है, और जो रक्त जमाने वाले हैं जैसे प्लेटलेट्स हो गया, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो रक्त जम जाता है और शरीर के अंदर रक्त को तरल अवस्थाएं बनाए रखता है यानी रक्त को थक्का बनने से रोकता है शरीर के अंदर, तो हिपेरिन होता है। हिपेरिन नहीं रहेगा तो थक्का बन जाएगा रक्त शरीर के अंदर ही, हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट, किसी खिलाड़ी के दर्द के अवबोधन को कम करने के लिए उसके प्रशिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक सांत्वना प्रदान करना चाहिए, राइट, बातचीत इत्यादि जरिए यानी दर्द से ध्यान हटाना चाहिए उसको, तो यहाँ पे राइट आंसर ग हो जाएगा, क खो आपका दोनों। नेक्स्ट है, जो अस्थि संयोजक उत्तकों यानी कनेक्टिव टिश्यू के रूपांतरण से बनती है उसे हम कहते हैं निवेशी अस्थि, जो संयोजी उत्तकों के रूपांतरण से बनती है उसे कहते हैं निवेशी अस्थि। नेक्स्ट है, स्थिर अस्थि कोशिकाएं यह भी कहलाती हैं, तो स्थिर अस्थि कोशिकाएं जो है वह ऑस्टियोसाइटिस बोला जाता है इसको, ऑस्टियोसाइटिस। नेक्स्ट है, दाएं हाथ की अस्थियों की अस्थि भवन ऑसिफिकेशन की तकनीक का उपयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों जो दाएं हाथ की रेडियस बोन होती है उससे
उम्र का पता लगाया जाता है, जिसे एक्सरे एज भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, घुटने के पीछे की मांसपेशी क्या कहती है। दोस्तों यहाँ पे घुटने की, पैर की मांसपेशी का बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर घ और ग दोनों खत्म हो जाएगा आपका, यानी कोहनी आपका आएगा नहीं पैर में, ठीक है। अब ऑप्शन बचता है क और ख, यानी घुटने को फैलाती है, घुटने को मोड़ती है। तो दोस्तों घुटने का फैलाने का काम तो करता है आपका क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक है, रेक्टस फेमोरिस, बट बाइसेप्स फेमोरिस जो है घुटने को मोड़ने का काम करता है। तो घुटने की पीछे की पेशी जो है घुटने को मोड़ने का काम करेगा, यहाँ पे राइट आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्लेटो ने किस खेल में दस्ता हासिल की थी। तो मल्ल युद्ध में इन्होंने दस्ता हासिल की थी, ये आदर्शवाद के जनक हैं। प्लेटो के शिष्य जो दोस्तों हैं अरस्तु, सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, ये सीक्वेंस इन लोगों का है। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस गुजरता है। तो दोस्तों वर्टिकल एक्सिस जो है वह जमीन के अविलंब, यानी कि आपका ऐसे होता है वर्टिकल एक्सिस, तो जमीन के अविलंब आपका होता है। नेक्स्ट है, ज्ञान की किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण है। तो ज्ञान की किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण है, तो यांत्रिकी शाखा में, किस शाखा में, यांत्रिकी शाखा में। नेक्स्ट दोस्तों, सपाट पैर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सपाट पैर को फ्लैट फुट के नाम से जाना जाता है, तो फ्लैट फुट यहाँ पे दिया नहीं है, तो उसको फ्लैट फुट को पेस प्लेनस भी बोला जाता है, ठीक है, पेस प्लेनस भी बोला जाता है। एक होता है क्ले फुट, ये जस्ट आपका फ्लैट फुट का उल्टा होता है। फ्लैट फुट में आपका जो तलवा होता है एकदम समतल होता है, भूमि में सट जाता है, लेकिन क्ले फुट में क्या होता है, बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है, बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है, यानी कि उसको प्लेस कैवस बोलते हैं, जबकि फ्लैट फुट को पेस प्लेनस बोलते हैं। तो ये आपका उपनाम भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठ खिलाड़ी प्रायः व्यक्तित्व की कुछ विशेषता संपन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि श्रेष्ठ खिलाड़ी में थोड़ा सा आक्रामकता देखने को, अग्रेशन देखने को मिलता है दोस्तों, वह अगर कोई गलत करता है तो उसके प्रति अग्रेशन हो जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे कि आपने खुद देखा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मनो यौन भावना का विकास कब होता है। इसका राइट आंसर है किशोरावस्था या एडोलेसेंस पीरियड में। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के अध्ययन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक है, तो वो है एक्चुअली लैंड, जबकि उपलब्धि अभिप्रेरणा को दिया है मास्लो ने। नेक्स्ट है, मानसिक व्यय की, यानी व्यय यहाँ पे नहीं होगा, मानसिक बुद्धि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बुद्धि सिद्धांत दिया बीने ने 1905 में, ठीक है, बीने ने 1905 में, एंड बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया मापा उसे टर्मन ने, और उन्होंने बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र दिया आई क्यू बराबर एम ए बटा सी ए गुड़े सौ, एम ए यानी कि मेंटल एज अपन सी ए यानी क्रोनोलॉजिकल एज गुड़े सौ। नेक्स्ट है, सीएनएस से पेशियों की ओर जाने वाले आवेग कहे जाते हैं। तो सीएनएस से पेशी की ओर जाने वाले आवेग को कहा जाता है अपवाही, क्या बोला जाता है आवेग को अपवाही। जैसे कि दोस्तों जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वह सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स को अफ्रियंट यानी अभिवाही भी कहते हैं आवेग, और मोटर न्यूरॉन्स को इफ्रियंट यानी कि अपवाही भी कहते हैं। अभिवाही जाती है ऊपर की तरफ यानी कि केंद्र की तरफ जाती है, अंगों से सूचनाओं को लेकर अभिवाही यानी कि संवेदी जो इम्पल्स होते हैं वो जाते हैं अंगों से सूचनाओं को लेकर सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वहां से प्रक्रिया करके फिर हमारे पेशियों तक आती हैं सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के माध्यम से, जिसे अपवाही या
इफ्रेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञान का सरलतम रूप क्या है? तो दोस्तों ज्ञान का सरलतम रूप है संवेदना, इमोशन। नेक्स्ट है दोस्तों, सुषुम्ना का क्रियाशील विभाग है। सुषुम्ना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका क्रियाशील विभाग है दैहिक संवेदी यानी कि मोटर सेंसरी आवेग। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिभाषित अनुक्रिया को कहते हैं। तो प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिभाषित अनुक्रिया को अनुबंधित प्रतिवर्त बोला जाता है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में व्यक्तिगत अंतर का मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब है फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में साहचर्यवाद का सिद्धांत निम्न में से किन्होंने उपस्थित किया? तो इसका राइट आंसर है जॉन लॉक, बिशप बर्कले, डेविड ह्यूम। तो इन सभी ने किया, इन सभी ने 17वीं शताब्दी में साहचर्यवाद का सिद्धांत उपस्थित किया, जॉन लॉक, बिशप बर्कले, डेविड ह्यूम। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में निम्न में से किन विचारकों ने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विचार उपस्थित किए हैं? तो वो है आपके रेने डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान का नाम निम्न में से क्या रखा था? तो प्राचीन यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान का नाम मानसिक दर्शन रखा था। नेक्स्ट है, प्राचीन यूनानी विचारकों के अनुसार मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन था? तो प्राचीन यूनानी विचारकों के अनुसार मनोविज्ञान जो है चेतना का अध्ययन था। किसका अध्ययन था? चेतना का नहीं दोस्तों, आत्मा का अध्ययन था। किसका था? आत्मा का अध्ययन, क्योंकि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर लास्ट में अभी वर्तमान में यह है व्यवहार का विज्ञान। तो यूनान में यह सबसे पहले आया था इसकी खोज, एंड सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया यूनान में। नेक्स्ट है, प्राचीन मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किस ज्ञान का अंग था? तो यह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता था मनोविज्ञान का, प्राचीन यानी कि प्रारंभ में फिलोसॉफी में। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में यानी वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। विज्ञान मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसकी है? तो आप शायद गेस कर लिए होंगे, आर एस बुडवर्थ। यहाँ पे वातावरण की बात आए तो वहां पे बुडवर्थ हो जाएंगे। तो मनोविज्ञान परिवेश या वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन है आर एस बुडवर्थ का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु की इकाइयां निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों मनोविज्ञान की विषय वस्तु की इकाइयां निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुक्रिया यंत्र। क्या है? अनुक्रिया यंत्र। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत यानी इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दिया था? तो मैकडूगल ने दिया था। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति दो है दोस्तों, ये जैविक होती है यानी कि जन्मजात होती है, ये याद रखिएगा, जैसे भूख प्यास ये सब जन्मजात है। नेक्स्ट है, खेल ही जीवन है, प्ले इज लाइफ थ्योरी किसने दिया था दोस्तों? तो जॉन डीवी ने दिया था। नेक्स्ट है, किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए क्या किया जाता है?
तो आपने सही जवाब दे दिया होगा वार्मिंग अप यानी गर्माना। किसी भी क्रिया को करने से पहले सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करते हैं उसके अनुकूलन के लिए, वह है वार्मिंग अप यानी कि गर्माना। नेक्स्ट है प्रतियोगिता या कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए क्या किया जाता है, तो खेल से पहले वार्मिंग अप और खेल के यानी कि किसी व्यायाम या प्रतियोगिता के बाद सामान्य अवस्था में आने के लिए लिम्बरिंग डाउन शिथिल होना किया जाता है, सामान्य धीरे धीरे श्वास लेते हैं अंदर बाहर। नेक्स्ट है किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा का ब्रेक डाउन किया यानी कि पाचन किया जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे सारी क्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो दोस्तों वह होता है एरोबिक क्रियाएं। ठीक है, एरोबिक क्रियाएं के अंतर्गत ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे सारी क्षमता में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है, तो जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक ये एरोबिक क्रिया है बट परिधि प्रशिक्षण आपका नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है, स्ट्रेंथ हमेशा अनएरोबिक में आता है। नेक्स्ट है कौन सी क्रिया एरोबिक और अनएरोबिक दोनों है, तो यहाँ पे दोस्तों एरोबिक और अनएरोबिक दोनों के अंतर्गत कौन सा आता है, तो साइकिलिंग आता है। क्या है, साइकिलिंग। नेक्स्ट है किस एरोबिक क्रिया से शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है, तो किस जैविक क्रिया से शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है, तो वह है कैलिस्थेनिक, यह मुक्त हस्त व्यायाम होता है, सामान्य सा पुष्टि प्राप्त होता है इसमें। नेक्स्ट है जैसे जैसे खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता बढ़े ठीक उसी क्रम में प्रशिक्षण भार को बढ़ाते रहना चाहिए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह खेल के सिद्धांत के अंतर्गत भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, भार की प्रगतिशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी कि जैसे जैसे खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता बढ़े उसी क्रम में प्रशिक्षण भार को बढ़ाते रहना चाहिए। मान लीजिए आपने आज 1 किलो भार उठाया, फिर कल 200-300 ग्राम बढ़ा दिए, फिर 1 किलो बढ़ा दिए, फिर इसी तरह के किलो रोज बढ़ाते रहेंगे तो आपके परफॉर्मेंस और बेहतर होगा, तो इसके कहते हैं भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी के मानव शरीर अंग भार संग अनुकूलन के पश्चात प्रशिक्षण भार के उच्च स्तर मांग को प्रारंभ करते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है, खिलाड़ी की मानव शरीर पर अंग भार अनुकूलन के पश्चात किसी भार को उठाने में या भार को वो सहन कर रहा है, अनुकूलन कर रहा है, उसके पश्चात प्रशिक्षण भार के उच्च स्तर का मांग को प्रारंभ करते हैं, यह भी आपका आएगा किसमें आएगा, यह भी आएगा भार की प्रगतिशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि प्रशिक्षण भार को दो विधियों से धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बढ़ाया जा सकता है, निम्न किसके अंतर्गत आता है, तो यह भी दोस्तों आता है भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भार दिया जाता है, राइट, यह कौन सी विधि कहलाती है, तो दोस्तों यह एक प्रकार की रेखीय विधि कहलाती है। ठीक है, रेखीय विधि मतलब आगे थोड़े थोड़े मात्रा में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहना, रेखीय सिक्वेंस में आगे बढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका 50 MCQ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा, तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।